आज प्रवासी दिवस है ओके okay. तो प्रवासी दिवस मनाया क्यों जाता है महात्मा गांधी वेरी गुड ऑन नाइन्थ जनवरी गांधी जी रिटर्न बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया विच थ्रू विच शिप वेरी गुड एस एस सर ये सर वेरी गुड सो प्रवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को और चलिए इंडियन पॉलिटी का साथ चीजें शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे स्टूडेंट का सबसे ज्यादा प्रिय टॉपिक है आपको पहले भी बताया था क्लास आज में कुछ डिक्टेट नहीं करने वाला आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बताने जा रहा हूं कि वॉट कंप्राइज इंडियन पॉलिटी ओके इंडियन पॉलिटी है क्या इंडियन पॉलिटी स्टूडेंट हिंदी मीडियम को भी भेज दिया था लेक्चर लिंक था इंडियन पॉलिटी क्या है इंडियन पॉलिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है ये सारा चीज आज के लेक्चर में चीजें जाएंगी तो और इसमें हम कल के लेक्चर का रूपरेखा बैकग्राउंड भी तैयार कर लेंगे ओके तो इंडियन पॉलिटी में या, या पॉलिटी अबाउट इंडियन पॉलिटी पॉलिटी में पॉलिटी है क्या पॉलिटी पौल, पौल, हम सब ने स्कूल में सिविक्स पढ़ा होगा ओके जिससे कुछ लोग चल गए यहां से हो जाता है, म्यूट okay? कुछ लोग मन से पढ़ते होंगे कुछ लोग बेमन से पढ़ते होंगे बट यहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा सिविक्स लीगल सिस्टम अब इसमें लीगल सिस्टम में क्या चीज आ जाती है पॉलिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के और कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गन्स की जो पावर है आपस में जो रिलेशन है उन सभी को स्टडी करना को पॉलिटिकल ओके मतलब अगर हम आपको आपको एक तो चार्ट से समझाएं ओके okay. तो जो इंडियन पॉलिटी है ओके okay. इंडियन पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी में वी हैव टू स्टडी द Constitution, okay, the organs. इसमें हम इंडियन पॉलिटी में इंडियन लीगल सिस्टम को देखते हैं लीगल सिस्टम लीगल सिस्टम क्या होता है लीगल सिस्टम एक तरीके से जिसे हम एक फॉर्मल भाषा में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लीगल सिस्टम इसे लीगल फ्रेमवर्क भी कहते हैं किसी भी पॉलिटी का बेस होता है लीगल सिस्टम कानूनी किताब ब्रिटेन में कानून लिखा नहीं है एक परंपरा से अनुसार चलता आ रहा है कहते नहीं है नॉन एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन पर भारत में इसके विपरीत अमेरिका में इसके अपोजिट वी हैव अ ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल इंडिया में तो बहुत डिटेल से है अमेरिका में इतना तो डिटेल नहीं है क्योंकि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आर्टिकल्स है ओके अब इंडियन आपके जो लीगल फ्रेमवर्क है जो लीगल फ्रेमवर्क है आई होप यहां पे जो कुछ लोग हिंदी माध्यम के संस्थान हिंदी माध्यम से है उन्हें लीगल फ्रेमवर्क समझ में आ गया होगा जो कानूनी जो एक कानूनी जामा है जो कानूनी स्ट्रक्चर है उसके बाद वो दो तरीके से डिवाइडेड है पहला है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म समझिएगा पहला है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब वो लीगल फ्रेमवर्क जो स्टेट के ऑर्गन को ताकत देता है वो लीगल फ्रेमवर्क जो स्टेट के ऑर्गन को ताकत देता है जो प्रेसिडेंट को ताकत देता है जो पार्लियामेंट को ताकत देता है जो जुडिशरी को ताकत देता है वो लीगल फ्रेमवर्क और दूसरा जैसे हम लॉ कहते हैं वो लीगल फ्रेमवर्क जिसके थ्रू स्टेट गवर्न करता है जैसे आपके पार्लियामेंट ने जो कोई लॉ पास किया तो वो उस लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू पार्लियामेंट की पावर्स के थ्रू पावर्स को पार्लियामेंट को लॉ बनाने के जो पुराने कानून को हटाना नए कानून को लगाना जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यू पहले नहीं था पर बाय लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया लेके आए और उस चीज को तो लीग इस इस पॉलिटी में हम दो चीज को स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब जिसके थ्रू स्टेट के ऑर्गन्स पावर पाते हैं अब स्टेट के ऑर्गन्स क्या है प्लस स्टेट के ऑर्गन्स को अगर देखा जाए तो स्टेट के ऑर्गन्स इन जनरल ये तीन होते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिश ये तीन ऑर्गन है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपके एक तरीके से चाहे कोई भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो मोनार्कियल पार्लियामेंट्री हो ओके okay, ब्रिटेन में मोनार्कियल पार्लियामेंट्री है ओके okay, वो भी इस तीन पिलर्स के ऊपर है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक अनरिटेन है जो है कि सभी मानते भी हैं कि देर इज अ थर्ड पिलर ऑल्सो मीडिया प्रेस मीडिया मतलब दोनों प्रिंट मीडिया विजुअल मीडिया सब चीज बगैर मीडिया के डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। पर ये इनफॉर्मल है फॉर्मल तीन पिलर्स होते हैं लेजिस्लेचर जो कानून बनाए एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करे या जो जो नीतियां को फॉर्मुलेट करे लेजिस्लेचर कानून को पास करेगा एग्जीक्यूटिव कानून की नीतियां को बनाएगा और लेजिस्लेचर उसको पास करेगा जुडिशरी उस कानून के ऊपर अगर कोई भी दिक्कत होगी तो जुडिशरी देखेगा चाहे वो जनता की दिक्कत हो चाहे कानून में दिक्कत हो तो वो आपके एक तरीके से जुडिशरी देगा दे और अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो भारत के संविधान ने इन जनरल लेजिस्लेचर <coughs> पार्लियामेंट है हमारी एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन की फोटो है और ये सुप्रीम कोर्ट की फोटो okay. ठीक है तो ये तीन चीजें हैं तो ये आपके लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल फ्रेमवर्क मैं किसकी बात कर रहा हूं लीगल फ्रेमवर्क जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये तीनों पावर तीनों सीट किससे अपनी ताकत डिराइव करते हैं में इनके बारे में एक एक आर्टिकल दे रखा है में आपके इन तीनों में के बारे में ताकत दे रखी है पार्लियामेंट कितने सीट्स की होगी किस तरीके से इलेक्ट की जाएगी राज्यसभा के इलेक्शन मैटर क्या होगा स्पीकर किस आर्टिकल के तहत चुना जाएगा ओके okay, ये सारा चीज है अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच पार्लियामेंट मेंबर्स की चल रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो यस मैम यस बोलिए एनी क्वेश्चन ऑनलाइन सर सर की वॉइस कट रही है मेरी वॉइस कट रही है क्या ऑन सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ मेरी वॉइस कट रही है गाइस नहीं पहले कट रही थी सर अब okay, ठीक है नुण। नुण सर ओके ठीक है नो सर Uh, देखिए ना हो, सकता, आपके ना, हो है आपके साइड ना नेटवर्क तो तो है, इशू है। okay. uh, आपको क्वेश्चन हो तभी आप माइक म्यूट करें अनम्यूट तो, uh, करें ठीक है अगर आपको क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते ठीक है <laughs> तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फ्रीडम ऑफ स्पीच की चल रही थी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसे हम पढ़ेंगे आपके इस पॉलिटी में ही पढ़ेंगे उसे हम किस आर्टिकल में दे रखी है आर्टिकल 105 आर्टिकल 105 में कि हमारे माननीय संसद में जो बोलेंगे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में नहीं आएगा बहुत इमरजेंसी है जस्ट वापस क्वालिटी में आते हैं <laughs> इतने अच्छे लेक्चर को एक फोन कॉल ने डिस्टर्ब कर दिया अब मैं भी इसलिए गया क्योंकि इमरजेंसी थी ठीक है तो अब जैसे हमारे ए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्लास फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो फ्रीडम ऑफ फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है उन्हें पार्लियामेंट में कुछ भी कहने और बोलने का अधिकार है हमें भी बोलने और कहने का अधिकार है पर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 1a, हम लोग का जो आर्टिकल 19 1 है है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का अधिकार वाक स्वतंत्रता वो हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 क्लॉज वन है पर ये आर्टिकल नाइनटीन क्लॉस वन एप्सलूट नहीं है इसमें कुछ क्या है रिस्ट्रिक्शन पर सर आर्टिकल 105 में एमपी की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो बहुत वाइड वो तभी तो आप देखोगे हवाई माने नहीं कितना हल्ला मचाते हैं कि ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच ये देश ओके तो अब लेजिस्लेचर को कौन ताकत दे रहा है कौन सा आर्टिकल ताकत दे रहा बोलने की और आर्टिकल हंड्रेड किसका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अब आप समझे हम क्या पढ़ रहे हैं लीगल फ्रेमवर्क लीगल फ्रेमवर्क का पहला पार्ट है कि ये जो तीन हैं इनको ताकत कौन दे रहा कॉन्स्टिट्यूशन और ये तीन ऑर्गन किस तरीके से कानून बनाएंगे कानून को चलाएंगे दैट इज नोन एज लॉ दैट इज नोन एज लॉ अब जैसे जैसे मैंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक छोटा सा वर्क किया तो पहले ईडब्ल्यू एस कैटेगरी कैटेगरी नहीं थी सरकार ने 2019 में थाउजेंड कैटेगरी का कानून लेकर लाया ओके, okay, तो एक तरीके से गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट वो किस तरीके से गवर्न करेगी गवर्न करने के लिए उसके पास क्या क्या कानून बनाने की शक्तियां हैं किस तरीके से वो कानून बनाएगी वो आपके एक तरीके से के अंदर में आता क्लियर है गाइस? ठीक है अब जिन्हें अभी नहीं समझ में थोड़ा बहुत अगर डाउट हो ओके तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ इस तरीके से होता है क्लास ओके लेजिस्लेचर विधायिका जो कि कानून पास करता है एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और जुडिशियर मतलब न्यायपालिका ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तीन मेजर पार्ट है चर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अब जरा एक एक चीज को देखते हैं इस पहले इस पहले पिक्चर में ही देखते हैं अब आप ने देखा होगा इसमें देखा है क्लास दो एग्जीक्यूटिव दो फोटो आ रही है तो जो हमारी प्रेसिडेंट होते हैं वो होती है हा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नाम मात्र एग्जीक्यूटिव और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इनके साथ जो उनका मंत्रिमंडल होता है वो होते हैं क्लास आपके रियल एग्जीक्यूटिव तो यहां पे आपने एक चीज समझी एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव इसका एक बाबू बहुत बढ़िया उदाहरण दे दू जिन्होंने जो बिल्कुल अभी फ्रेश है जो बिल्कुल अभी नहीं जानते हैं या जो बिल्कुल पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो मैं कई बार देता हूं पुराने स्टूडेंट्स जानते होंगे नॉर्मल एग्जीक्यूटिव घर का वह बड़ा बूढ़ा है जिसके नाम पे शादी के कार्ड छपते हैं आपने देखा होगा ना शादी के कार्ड ज्यादातर दादा के नाम पर दादी के नाम या दादी के नाम पे छपते हैं ओके पर शादी का कोई भी डिसीजन उनसे पूछ के नहीं लिया जाता कि भाई डीजे रखना है कॉकटेल होनी है ओके नहीं होनी है ओके कौन सी किस किस सेरेमनी कितना लंबा जाएगा कोई नहीं वो बड़े बूढ़े हैं सब आदर करते हैं कार्ड में उनका नाम छाप दिया जाएगा पर असल डिसीजन कौन लेता है या तो ब्राइड ग्रूम या उनके पेरेंट्स वही डिसीजन लेते हैं तो सेंटर के जितने ताकत है जितने जो सेंटर का जितने कानून होंगे वो किसके नाम लेके किए जाएंगे पर रियल में कानून कौन बनाएगा आपके रियल एग्जीक्यूटिव समझ में सेंटर की जितनी आपके जो कानून बनेगा कल को आप लोग में से जो लोग आई एस आई पी एस आई एस आई एफ एस या आई एफ ओस या सी डी एस में लेफ्टिनेंट में सिलेक्ट हो गए तो आपको जो ऑफर लेटर मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा वो किसकी तरफ से मिलेगा राष्ट्रपति की तरफ से बहुत बड़ी बात होती है राष्ट्रपति की तरफ से अंडर हिज अंडर हर मतलब जो जल्दी निकाल लोगे तो पांच साल तो रहे अंडर हर हैंड एंड सीज राष्ट्रपति खुद सिग्नेचर और आपके उस उसपे स्टैंप राष्ट्रपति का लगा हुआ क्योंकि आपने यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम निकाला इसी तरीके पे अगर आपने पीसीएस निकाल दिया है तो वहां बस फोटो बदल जाएगी गवर्नर की फोटो लगी होगी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर की फोटो लगी होगी बिल्कुल ठीक मिरर इमेज ठीक मिरर इमेज स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पार्लियामेंट की फोटो है तो यहाँ पे स्टेट की फोटो लग जाएगी यहाँ पे गवर्नर की फोटो लग जाती है यहाँ चीफ मिनिस्टर की फोटो लग जाती है और हाईकोर्ट खबर का कोर्ट एक ही है मतलब एक ही कानून चलाता है ओके तो एक तरीके से सेंटर और स्टेट में एक जैसी ही गवर्नमेंट होती है तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव रियल एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया ओके पहले <coughs> एग्जीक्यूटिव समझते हैं क्लास एग्जीक्यूटिव का मतलब जैसे यहां लिखा हुआ है कार्यपालिका मतलब जो कार्य करे ध्यान से सुन लेना क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं ओके okay? जो कार्य करे अब क्या कार्य करे इसका कार्य क्या है एग्जीक्यूटिव का नीति बनाए या नीति को लागू करे दो काम होता नीति बनाए और नीति को लागू करे अब यहां पे कैच करिएगा एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका देखो यह आपको कोई भी किताब में डिफिनीशन नहीं दे रखी समझाया नहीं है इसका मतलब क्या है द वन टू एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिव वहीं से तो आया है जो कार्य करे अब क्या कार्य करे फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी एंड इंप्लीमेंट द पॉलिसी अब देखो इससे पहले हमने क्या प्लान देखा दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं नॉमिनल और रियल ठीक है अब यहां देखो फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी पॉलिसी फ्रेम कौन करता है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल चाहे तो ये अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो समझ जाना बना लेना बहुत बढ़िया चीज है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल चीफ मिनिस्टर और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये पॉलिसी बनाते हैं ये पॉलिसी को फ्रेम करते हैं पॉलिसी को लागू कौन करता है द सीनियर ऑफिसर्स सीनियर ऑफिसर्स तो सोच सकते हैं आपके आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं यू आर द पार्ट ऑफ अगेन तो एग्जीक्यूटिव अगेन दो में डिवाइड होते हैं एग्जीक्यूटिव फिर से दो में डिवाइड होते हैं अब तक मैंने क्या कहा था एग्जीक्यूटिव दो में डिवाइड होते हैं And real. फिर अगेन एग्जीक्यूटिव दो में डिवाइड और दो, और दो होते हैं इन्हें हम कहेंगे टेम्पोरेरी क्यों पांच साल बाद चुनाव होते हैं मोदी जी अगले साल चुनाव फेस करेंगे अगर जनता ने पास कर दिया फिर से पांच साल के लिए हो जाएंगे ओके okay, पांच साल ये टेम्परेरी होते हैं एंड कंपेयर टू देम परमानेंट कहना इसलिए सही है क्योंकि वो सिर्फ पांच साल के लिए होते हैं और ये टिल द एज ऑफ सिक्सटी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट हो तो सिक्सटी फाइव तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हो गाइस आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनने की तैयारी कर रहे हो अगर आप आई एस सेक्रेटरी अगर है तो साठ साल में रिटायर हो जाओगे और आपकी आपने जल्दी सिलेक्शन ले लिया आपका सीआर रिपोर्ट भी बढ़िया है आपका मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है तो आपको हो सकता है इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए ओके okay, कैग बना दिया जाए आरबीआई का गवर्नर बना दिया गवर्नर श्री शशिकांत दास आई एस ऑफिसर समझ पा रहे शशिकांत दास ऑफिसर तो वो तो ये लोग गाइस जो अगर कैग बना दिया जाए जैसे कैग भी आई ऑफिसर रहे हैं सिक्सटी फाइव ईयर्स तुरंत रिटायरमेंटी तो आप किसकी तैयारी करो परमानेंट एग्जीक्यूटिव नीति ये बनाते हैं नीति ये बनाते हैं और नीति को लागू ये अधिकारी करते हैं समझ में आया है क्लास क्योंकि ये चीज अगर आप किसी भी बुक्स बुक्स में तीन बुक्स चलती हैं तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत सबकी फेवरेट दूसरी आपके अवर पार्लियामेंट अवर कॉन्स्टिट्यूशन सुभाषी कश्यप तीसरी आपके जो थोड़ी टी बुक है दी, आपके डीडी बसु ये तीन किताब मेजर किताबें हैं

नाम पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं शादी के सारे डिसीजन लिए जाते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है शादी एक बहुत बड़ा वो होता है पर उससे सही में के कोई नहीं होता राष्ट्रपति को भारतीय राष्ट्रपति को क्लास रबर स्टैम्प कहना सही तो नहीं होगा पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी मेजोरिटी है पार्लियामेंट में तो राष्ट्रपति इन जनरल गवर्नमेंट के हिसाब से ही चलता है हाँ, राष्ट्रपति को अगर लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हो रही है तो ही विल डेफिनेटली ही और शी विल डेफिनेटली रेज इट्स ऑब्जेक्शन बट इन जनरल राष्ट्रपति गवर्नमेंट के साथ कंसंटेशन कभी नहीं करता इसका सबसे छोटा सा उदाहरण है आगे पढ़ाएंगे राष्ट्रपति में मैं आपको ये सब चीजें एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ सारे एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ इसका सबसे छोटा सा उदाहरण है हमारे राष्ट्रपति के पास तीन विटो हैं पहला है विटो, दूसरा है विटो, तीसरा है सस्पेंसिव विटो, तीसरा विटो विटो मतलब, कोई कानून अमेरिका के सिनेट और मतलब अमेरिका के कांग्रेस से पास हुआ तो राष्ट्रपति को दस दिन दिए जाते हैं उस कानून पर डिसीजन लेने के राष्ट्रपति दस दिन के अंदर हा या ना का फैसला देते दे। ओके okay. और दस दिन बाद मतलब उसे अपना फैसला सुनाना पड़ता है हमारे इस और इसको कहते हैं पॉकेट विडो हमारे क्या? इस मामले में राष्ट्रपति के पास कोई टाइम लिमिट हमारे में राष्ट्रपति के पास नहीं तो हम इसके लिए कहा जाता है किताबों में लिखा गया है द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज ग्रेटर और लार्जर देन द पॉकेट ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है सोचिए कितना सोचिए कितना बड़ा ताकत है लोकसभा राज्यसभा कानून पास करे और राष्ट्रपति के पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है उस कानून पे अपना डिसीजन सुनाने के लिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है है जैसे मनी भिल। मनी बिल बिल पर राष्ट्रपति इसलिए कहता क्योंकि राष्ट्रपति के कहने से ही मनी बिल लाया जाता है अब एक फरवरी को बजट का आएगा ना तो राष्ट्रपति पहले कहेगा बजट लाया जाए तो राष्ट्रपति ने खुद ही कहा कि बजट लाया जाए तो राष्ट्रपति अपने हुई लाए हुई चीज को कैसे वो रिजेक्ट करते इसलिए मनी बिल पर राष्ट्रपति अपनी असेंट देता ही देता है अदरवाइज वो कोई भी बिल पे राष्ट्रपति आपके अनलिमिटेड टाइम ले सकता है तो टिल जब से हमारा बना है क्लास, 19, 26 January, 1950 से जब लागू हुआ है। और अब तक कितनी बार पॉकेटो का इस्तेमाल हुआ सिर्फ एक बार यानी जयल सिंह वर्सेस प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी सिर्फ एक बार तो इससे एक चीज साफ हो जाती है जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करते भले ही वो अपोजिट पार्टी के हो हमारे राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी किसके कार्यकाल में चुने गए थे यूपीए के कार्यकाल में चुने गए थे उन्हीं के समय में सरकार चेंज हुई 2014 में और हमारे प्रधानमंत्री इस समय के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी आ गए अब मोदी जी सर यू आर ऑन म्यूट नाइट अब ठीक है ओके तो राष्ट्रपति वही करेगा जो उसे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कहने को कहेगा ठीक है अब जो नीति बन गई है जो पॉलिसी बन गई है उस पॉलिसी को ड्राफ्ट ऑफ पॉलिसी को वहां रखा जाएगा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट किसका पार्ट है लेजिस्लेचर का पार्ट है तो लेजिस्लेचर का क्या रोल है लेजिस्लेचर का रोल है टू अप्रूव पॉलिसी टू अप्रूव द पॉलिसी प्रधानमंत्री तो मंत्रिमंडल ने कानून बनाया राष्ट्रपति ने लेजिस्लेचर ने अप्रूव किया अप्रूव किया मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया फिर वो कानून कहा जाएगा प्रेसिडेंट के पास आप एक प्रेसिडेंट के पास जाएगा स्टैंप लगा दिया तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाएगा और वो एक्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो मेंशन हो जाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो आपके कानून लॉ बुक्स में लिख दिया दो तरह, के, broadly, दो तरह के होते हैं नॉमिनल एंड रियल रियल जो सही में पॉलिसी बनाते हैं जिनके पास सही में ताकत ओके नॉमिनल अब ये मैंने जो बता रहा हूं क्लास ये जो पूरे पिक्चर है ये है क्लास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की पिक्चर अलग होती है उसमें राष्ट्रपति ही सब कुछ है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है ऐसे इंडिया इंडिया का एग्जाम्पल लेते देखो तो तो समझो इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट द गवर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइल हर एक्सीलेंसी प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द इंडिया समझिए अंतर समझ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करता है और हमारे महामहिम राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व तो करते हैं प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द कंट्री वाइल प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट हम कहते हैं ना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मोदी जी गवर्नमेंट गवर्नमेंट कहते हैं एंड रिप्रेजेंट द कंट्री द प्रेसिडेंट और इसीलिए प्रेसिडेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया से इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है इनडायरेक्टली पूरे ऑल ओवर इंडिया से इलेक्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा भी भाग लेती है लोकसभा भी भाग लेती है

एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया किसी को एक परसेंट भी डाउट हो यू कैन आस्ट द क्वेश्चन ऑनलाइन ऑफलाइन एनी डाउट क्लियर है ओके okay. चलिए आगे बढ़ते हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री पे आते हैं ठीक है तो भारत में की कहानी मॉडर्न इंडिया की मॉडर्न इंडिया की कहानी शुरू होती है इंडिया की जो पॉलिटी है है या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वो शुरू होती है बट ऑबियस है हमारे यहां राजा महाराजाओं का था तो कोई एस सच कोई वेल रिटर्न लॉज तो थे नहीं ओके okay. सिर्फ कुछ ही राजाओं ने अपने लॉज को वेल well रिटर्न कराया था जो आज भी प्रिजर्व है जैसे फॉर एग्जांपल अशोक ओके okay. अकबर इन लोगों ने अपने लॉज को प्रिजर्व कर तो दिया नो सच वेल रूल्स एंड ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश ने धीरे धीरे भारत में एक तरीके से कानून का राज राज्य करने की कोशिश की इंडिया को नियम कानून से चलाने की कोशिश की तो भारत का अर्लिएस्ट डॉक्यूमेंट जो जिससे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का एक कैसा है जहां से कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी गवर्न की उसे हम कहते हैं क्लास सेवनटीन सेवनटी थ्री का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थ्री का रेगुलेटिंग एक्ट ओके सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट ये पहला कानून था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया था इससे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्टली रेगुलेट नहीं कर पाती अब इसका कहानी का थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं अगेन दिस थिंग इज नॉट गिवन इन एनी ऑफ द योर प्रिस्क्राइब बुक्स जो कि चल रही हैं आपके इन जो करंटली जो किताबें चल रही हैं नहीं दे रखा पर ये एक चीजें समझने की बहुत जरूरत है यहां पे एक बात है एक वर्ड है ये वायर रेगुलेट रेगुलेट क्यों किया क्या जरूरत पड़ी थी रेगुलेट करने? वो तो इंडिया जीत के दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी हमें और रेगुलेट क्यों हाँ भाई इस साइड कोई बताएगा करप्शन अच्छा करप्शन के कारण रेगुलेट कर लिया ओके वेरी गुड और इस से चलो कोई बात नहीं मैं बताता हूं ओके स्केल में आपको कई कई सारी चीजें आएंगी गाइस ओके okay, कई सारी चीजें क्लास में आएंगी ओके okay, आपको बहुत कम ही देखा जाएगा कि पॉलिटी में हम आपको वर्ल्ड का नक्शा खोल के दे रहे हैं ज्योग्राफी का चीज आ रही okay? है इंग्लैंड और ये है इंडिया इंग्लैंड यहां से आए इंडिया पे शासन करने मतलब ट्रेड करने के लिए इनिशियली मकसद था कंपनी कंपनी हंड्रेड में फॉर्मली स्टैब्लिशीन हंड्रेड में हुई okay? इंग्लैंड यहां से आए ब्रिटिश यहां पे ट्रेड करने के लिए ओके okay? अब ये ट्रेड गाइस था वन साइडेड दिस ट्रेड वाज टोटली वन साइडेड जैसे इंडिया और चाइना का ट्रेड क्या है बोथ साइडेड या टुवर्ड्स इंडिया या टुवर्ड्स चाइना टुवर्ड्स चाइना चाइना हमसे बिलियंस ऑफ में ट्रेड करता है और हम सिर्फ उनसे कुछ मिलियन या बिलियन के आसपास जैसे अगर चाइना हमसे 52 बिलियन के हिसाब से ट्रेड करता तो इंडिया उसके हिसाब से कंपैरिजन वन या टू बिलियन में ट्रेड करता समझ में आ रहा है क्लास मतलब तो ट्रेड ऑफ ट्रेड किसके बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में है चाइना के फेवर में है चाइना हमसे डॉलर ज्यादा ले रहा है और हम उन्हें डॉलर दे रहे हैं जैसे बीच में अभी जब डोकलाम हुआ था और गलवान हुआ था तो काफी प्रोटेस्ट हुआ था चाइना के चीज को बैन कर दो बैन कर दो फिर भी नहीं बैन हुआ क्यों और भी रीजन है डब्ल्यू टी ऊंड ऑल दो और भी कई और रीजन है मेन रीजन है गाइस चाइना रॉ मटेरियल्स बहुत सप्लाई करता है इंडिया की फार्मा इंडस्ट्रीज बहुत जानी जाती है वर्ल्ड में पर उन फार्मा इंडस्ट्रीज को रॉ मटीरियल चाइना ही सप्लाई करता है अगर चाइना के साथ ट्रेड बैन कर दिया तो हमारी इंडस्ट्रीज बैठ जाएंगे नहीं कर सकते आम आदमी जो सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहा वो तो फेसबुक पे बड़े बड़े पोस्ट लिखेगा ये कहेगा पॉलिटिकल पर्सन अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए बड़े बड़े करेंगे आपने देखो कई विपक्ष का चाइना के साथ नहीं करते सर इंडस्ट्रीज नहीं चल पाएंगी रॉ मटेरियल वहां से आ रहा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में चाइना का आप सोचो इंग्लैंड यहां से आए क्यों आए इंग्लैंड यहां से इंडिया क्या लेने आए कॉटन सिल्क आइवरी हाथीदात सॉट पीचर सॉट पीटर क्या होता था जिससे बारूद बनता था उन्हें ये चाहिए था और क्योंकि यही सारी चीजें यूरोप में आपके फोर हंड्रेड टाइम्स बेची जाती थी मतलब सोचो वो अगर एक रुपए की चीज खरीदते थे तो यूरोप में चार सौ रुपए की बिकती थी यही तो रीजन था कि पुर्तुगीज फ्रेंच ब्रिटिश डेन्स इंडिया आ रहा था ऐसा क्या था कि तब तो भाई लैंड रूट से थोड़ा सी रूट लकड़ी के जहाज लकड़ी के जहाज जरा सी तूफान में खत्म हो सकते हैं। कितना रिस्क ले रहे थे रिस्क लेने के लिए वर्थ तो चाहिए तो सर 400 परसेंट प्रॉफिट होता और उस समय जब इंग्लैंड कॉटन ये सब चीज खरीदते थे ब्रिटिश तो उसके बदले में क्या देते थे इंडियंस को गोल्ड क्योंकि उस समय कागज की मुद्रा तो चलती नहीं थी फियत मनी नहीं चलता था तो उसके बदले में इंग्लैंड से बुलियन गोल्ड को बुलियन भी कहते हैं गोल्ड के को, बुलियन किसकी तरफ आ रहा था इंडिया की तरफ इंग्लैंड का गोल्ड कम होता जा रहा था और इंडिया का गोल्ड बढ़ता जा रहा था बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके फेवर में था इंडिया के फेवर समझ बैलेंस ऑफ ट्रेड इंडिया के फेवर में अब 1600 से 1700 और 1700 फोर में क्या हुआ 1707 में क्या हुआ सत्रह और सौ आपके औरंगजेब क्या डेथ हो जाती है okay. ओके तो औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था फास्ट और रीजनल पावर्स आपके अवध हैदराबाद बंगाल मराठास मैसूर ये सब उठने राजपूतानाज ये सब उठने लग जाते हैं और यहीं पे क्लास ये जो मर्चेंट्स बन के आए थे स्पेशली ब्रिटिश और फ्रेंच ये अपने ट्रेड को और सॉलिड करने के लिए इन रीजनल पावर्स में इंटरफेयर करने लग जाते हैं समझिएगा गाइस मैं हिस्ट्री को पॉलिटी में मिला रहा हूं ओके ये इंटरफेयर करने लग जाते हैं ये चाहते ये उन राजाओं से कहते थे रीजनल राजाओं को हम हमारी मॉडर्न आर्मी आपके साथ है हम आपका गद्दी पहुंचाने में मदद करेंगे गद्दी के तक आने में मदद करेंगे बशर्ते जब आप राजा बन जाओगे नवाब बन जाओगे सुल्तान बन जाओगे तो आपको हमें ट्रेड फेवर करना पड़ेगा राजा कहते, राजा हमारे इंडियंस मतलब दूरदर्शी तो नहीं थे फिर हाँ ठीक है बस हमें बस किसी तरह सुल्तान बना दो हमें किसी तरह नवाब बना दो वो तैयार हो जाते थे ठीक है तो क्या हुआ इसी में ब्रिटिश को इंडिया का रिचेस्ट प्रोविंस मिला इंटरफेयर करने को मिला दैट इज बंगाल 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 का नवाब उस समय सपोज इट इज अ बंगाल ओके बंगाल का नवाब उस समय कौन था सिराजुद्दौला, 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 सिराजु ब्रिटिश के एक तरीके से एडवांस को को उसने एक तरीके से निगेट किया ऑब्जेक्ट किया तो ब्रिटिश ने ये सोच लिया कि हमें सिराज को गद्दी से हटाना है और सिराजुद्दौला दौला को हटाने के लिए भारत देश में विभीषण जयचंद और मीर जाफर की कमी नहीं है घर में भरे पड़े जयचंद मीर जाफर जय और विभीषण रावण अगर वि... रावण मरता ही नहीं अगर विभीषण भगवान राम को बताता नहीं कि इसकी इनकी नाभि इसकी नाभि में अमृत है मतलब एक क्वेश्चन तो है ना वो दैट इज एक आप हाइपोथेटिकली तो क्वेश्चन सोच ही सकते हैं ना विभीषण ने बताया ओके okay? हम सबने रामायण देखी है उसमें आखिरी युद्ध में यही होता कि भगवान राम तीर पे तीर चला रहे हैं पर रावण फिर से मतलब उसका प्रकट होता जा रहा है उसे कुछ नहीं हो रहा तो विभीषण महान की नाभि में ऐसे एपिसोड ऑफ जयचंद और ब्रिटिश हुकूमत को भारत में लाने का श्रेय जाता है मीर जाफर अंग्रेज सिराजुद्दौला को हटाना चाहते थे मीर जाफर सिराजुद्दौला की आर्मी का एक सेनापति था सर मेरे को नवाब बना दो मैं आपके साथ दूंगा रॉबर्ट क्लाइव ने कहा वेरी गुड वी हम तुम्हारे साथ पूरी अंग्रेज फौज तुम्हारा साथ देगी और मीर जाफर ने डिच किया सिर... और लड़ाई लड़ी गई कौन सी बैटल ऑफ of... प्लासी अब देखना बैटल ऑफ प्लासी किस लड़ा किस सन में लड़ी गई सेवनटीन फिफ्टी सेवन में सेवनटीन फिफ्टी सेवन में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला बेंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को आपके बंगाल मिल जाता है ओके okay. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल में मतलब मीर जाफर को इंस्टॉल करती है तो मीर जाफर को सिर्फ पपेट नवाब बनाया जाता है मीर जाफर को सिर्फ पपेट नवाब बनाया जाता है रियल ताकत किसके पास होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की मैं ये सारा चीज पढ़ाऊंगा अभी मॉडर्न इकोनॉमी जैसी खत्म होती है आपके मॉडर्न इंडिया शुरू होने वाली और मॉडर्न इंडिया का पहला ही चैप्टर रहे है। ओके? में बंगाल में दो तरीके के पावर होती है दीवानी एन अदर इज फौजदारी आज भी आपने देखा होगा सत्र एवं दीवानी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या लिखा रहता सत्र एवं दीवानी न्यायालय दीवानी मतलब सिविल या इकोनॉमी और फौजदारी मतलब आपके एक तरीके से जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है ब्रिटिश ने दीवानी एरिया अपने पास रखा यह ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहा और और फौजदारी एरिया किसको दे दिया नवाब को पैसा का एरिया अपने पास रखा और फौजदारी वाला एरिया दे दिया नवाब को जनता को कौन दिख रहा है नवाब दिख रहा है पर नवाब पैसे पैसे के लिए किसके लिए डिपेंड है ये सुन रहे हो समझ पा रहे हैं क्लास मतलब देखो मैं किसी क्योंकि मैं इस समय लाइव पे हूं तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा पर आप जानते थे कि इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी उसके दो पावर सेंटर्स थे वन वाज प्राइम मिनिस्टर अदर वाज द मतलब जो हेड ऑफ द पार्टी मतलब कई बार हेड ऑफ द पार्टी ने भी इंटरफेयर किया है आज जैसे कहेंगे कि एक ही पावर सेंटर है द प्राइम मिनिस्टर एंड पीएमओ एक ही पावर सेंटर है तब दो तो आपके उस समय भी दो पावर सेंटर ईस्ट से। इंडिया कंपनी ने नए स्टूडेंट समझिएगा ध्यान से समझिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लास्टिक के बाद सामने नहीं आई उसका यह मानना था कि अगर मैं सामने आ गए हम सामने आ गए तो हो सकता है इंडियंस एक हो जाए और हमें बाहर निकाल तो इंडियंस को इंडियंस को ही रूल करने पर फाइनेंशियली हम अपने पास रखेंगे फाइनेंस हम अपने पास रखेंगे तो दीवानी राइट्स कंपनी ने अपने पास रखे और फौजदारी राइट्स नवाब को दे दी जनता को लग रहा कि नवाब रूल कर रहा है पर रियल में कौन रूल कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया बंगाल में बंगाल में एक्सेसिव रेवेन्यू वसूलना शुरू कर दी एक्सेसिव रेवेन्यू जब से ब्रिटिश शर्स ने भारत में शासन करना शुरू किया तब से भारत में क्या आने लग गए आगे पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया में रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो उन्होंने पुराने पढ़ रखा है रैयत वाली सिस्टम इतना खराब सिस्टम था कि एक तो सिक्सटी परसेंट रेवेन्यू फिफ्टी से सिक्सटी परसेंट रेवेन्यू सौ उगा रहा तो साठ से पचास किसान के पास कुछ नहीं बचता था किसान के पास होता था या तो बच्चों को बेच दो तो पैसे आके लगान दोगे या जमीन साहूकार को दे दो तो लगान दे पाओगे नहीं तो साहूकार से जो पहला उधार लिया था वो वापस ले लेगा या सरकार आपकी जमीन ले लेगी और किसी और को ले लाओगे इतना बुरी मतलब ब्रिटिश ब्लड इंडिया वाइट आज जो ब्रिटिश हमें हुकूमत का ज्ञान देते हैं ना वो कहते हैं ये ना करो इंडिया डेमोक्रेसी अभी और भी डेमोक्रेसी बननी बल, है दोस। तो वो वही कहावत है चूहे खाके बिल्ली चले हज को आपने इंडिया को इतना लूटा है कभी आप शशि थरूर का वहां के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने बयान दिया है वो सुनिएगा दे ब्लेड इंडिया वाइट तो एक्सेस रेवेन्यू जब उन्होंने किया तो देखो क्लास अभी मैंने क्या पिक्चर बताई अभी ये पिक्चर क्या बताई थी बुलियन कहां से आ रहा था इंग्लैंड से आ रहा था बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ 1757 के बाद क्या हुआ आपके 1757 के बाद क्या हुआ ब्रिटिश रेवेन्यू से ही इंडियन रेवेन्यू से ही क्या खरीदने लग गए आपके कॉटन तो ब्रिटिश से जो सोना आ रहा था वो सोना का ट्रेड क्या हो गया रुक ऑनलाइन गया? स्टूडेंट समझ रहा है आप कोई डाउट तो नहीं शताक्षी पे प्रिया समझ में आ रहा है पहले क्या हो रहा था इंग्लैंड को ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सारी चीज खरीदने के लिए इंग्लैंड का सोना चाहिए बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश ने दीवानी लाइफ अपने पास रखी पैसा इंडियन से ही पैसा लिया और इंडियन के ही पैसे से सामान खरीदा और उस सामान को इंग्लैंड में जाके बेचते हैं सर सुपर डुपर प्रॉफिट पहले होता था अपने पैसे से लगा के सामान फिर आपको कहीं और से पैसे मिलने लग जाए वहां से पैसे लेके वो सामान खरीदो और फिर प्रॉफिट रहे हो सुपर डुपर प्रॉफिट ठीक है अब यहां पे जो संदीप जी ने बोला वही चीज होती है यहां पे आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को लालच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को लालच नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी को लालच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को लालच आ जाता है हर एक छोटा मोटा ऑफिसर अपनी छोटी-मोटी कंपनी बना लेता है और वो इंडिया के साथ ट्रेड करने लग जाते हैं ठीक है थीके? उस समय के नवाबों ने <coughs> उस समय के नवाबों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पासिस दिए थे जिसे क्या बोला जाता था दस्तक प्री पासिस मतलब आप दस्तक दिखाओगे तो आपको चुंगी ऑक्ट्राई टैक्स नहीं देना पड़ेगा ठीक है इंडिया कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मॉडर्न इंडिया में पढ़ाया जाएगा कि द फॉर्मान ऑफ 1717 किसने दिया था फॉर्मान ऑफ सेवनटीन फारुख सियाहार फारूख हिस्ट्री कहती है दो तो मत है हिस्ट्री में दो व्यूज है इसके लिए. पहला है कि फारूख सियाार खुद बीमार था दूसरी कुछ हिस्ट्री वाले ये कहते हैं फारूक सिया की वा, कोई वाइफ हरेम में कोई वाइफ सीरियस बीमार थी तो ब्रिटिश डेलीगेशन जो आया था उनमें से एक डॉक्टर था उसने उस बीमारी का इलाज कर दिया अब आई डोंट नो कौन था मतलब रियल में दो मत है इसमें हिस्ट्री में तो कहा जाता है जब कभी आप बहुत खुश हो

ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री दस्तक दे दिए कोर्ट्स के ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा ठीक है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स क्या करते थे इस दस्तक को यूज करते थे इस दस्तक को यूज करते थे और अपने लिए टैक्स एग्जेप्ट कर लेते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने पड़ते थे, थे समझ में या? ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट मिली थी पर वो ऑफिसर इस दस्तक को अपने पर्सनल यूज करते थे तो किसको घाटा हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी घाटा 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 1757 से ये मतलब 1770 17 से वैसे दस्तक शुरू हुआ था पर आगे बढ़कर के 1757 और हो गया हो गया ये इतना हो गया कि 1770 17 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा सर हमें कर्जा दे दो हम डूबने वाले वी आर अबाउट टू बैंक गिव अस लोन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह कहा कि इनके ऑफिसर्स जो इंडिया से आ रहे हैं वो तो बहुत अमीर बन के आ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के घाटे में क्यों जा रही एंड दे अपॉइंटेड अ सीक्रेट कमेटी

जब आप किसी से लोन लेते हो और छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा लोन लेते हो तो आपको उसकी कंडीशंस माननी पड़ती है ओके okay? इन्होंने तीन साल बहुत अच्छी तरह सीक्रेट कमेटी ने स्टडी किया पूरा खेल समझ गया कि क्या खेल हो रहा इन्होंने सेवनटीन से कहा हम तुम्हें लोन देंगे बट नाउसोर्थ वी विल रेगुलेट ईस्ट इंडिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने लगे और भारत मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मॉडर्न इंडियन लॉ का पहला कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मैंने आपसे कहा था मैं रेगुलेटिंग एक्ट और बैटल ऑफ प्लासी को जोड़ूंगा बैटल ऑफ प्लासी और रेगुलेटिंग एक्ट या बैटल ऑफ प्लासी रेगुलेटिंग एक्ट और दस्तक दस्तक समझ में का फ्री पासस एग्जाम में prelims का क्वेश्चन वगैरह व्हाट आर दस्तक दस्तक का फ्री प्रोसेस कौन दिया था इंडियन राजा महाराजा सुल्तान सुल्तानultan देते थे कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा फ्री पास समझ में आया यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन एना एनी क्वेश्चंस एना फैजा और जो जितने नीतीश ये चीज समझ में आ रही है गाइस सर कैन यू रिपीट दस्तक 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 आर फ्री पासिस फ्री पासिस क्या होते थे ये ये एक ऐसा टोकन होता था समझते ना हिंदी में चुंगी इंग्लिश में ऑक्ट्राई हाईवे पे जाते हैं और आप तो डबल किराया कुछ तो डिडक्ट हो जाते हैं तो दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी को मिस कौन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के चलो दो दो चलो दो चलो 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 तो घाटा तो होने लगे तो वो अपना लो मेरे को क्लियर नहीं मिल रही है ओके आइदर यू कैन व्हाट्सएप नंबर आई कैन सी द्ट्स आपके क्वेश्चन So, your voice well, is cracking. Now, am I audible? Now, am I audible? यस yes. मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है ऑनलाइन सर हाँ तो दस तक समझ गए फ्री पासेस होते थे ठीक है कोई और क्वेश्चन कल से मैं पॉलिटिकल डिक्सेशन शुरू कर दूंगा नहीं। समझ में आ गया एग्जीक्यूटिव क्या है वॉट आर एग्जीक्यूटिव वॉट आर जुडिशरी एंड वॉट आर लेजिस्लेचर ओके जुडिशरी क्या होती है जुडिशरी आपके जो कानून बनता है अगर उस कानून के कानून के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन आता है कानून में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो जुडिशरी एक्ट कर। okay. एक और पॉइंट हाँ यस यस ऑफलाइन स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन न्यू स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन सब समझ में आ गया इतना बड़े समझाया ओके वेरी गुड ओके देखिएगा इस क्वेश्चन आप पूछोगे तो फिर मतलब ये लगेगा कि हाँ भाई डाउट्स हैं कोई डाउट नहीं चलिए अच्छी बात है अगर कोई डाउट नहीं है ठीक है एक चीज और ध्यान रख लो क्लास क्योंकि ये चीज आएगी थोड़ा बाद में आएगी पॉलिटी में पर आती है ये पॉलिटी इंडिया हैज अ सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया का सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है समझ लीजिएगा इन इंडिया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर आर वर्क टूगेदर वेल जुडिशरी इज सेपरेट इन अमेरिका देर आर वाटर टाइट कंपार्टमेंट अमेरिका में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स है इंडिया में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर टुगेदर है समझिएगा कैसे एग्जीक्यूटिव कौन हुए प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक है अब दो हजार चौबीस में इलेक्शन होने वाले हैं जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा वोट जीतेगी वो सरकार बनाएगा उसमें एक प्रधानमंत्री चुना जाएगा और वो प्रधानमंत्री अपना मंत्रिमंडल चुनेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुनेगा ठीक है तो वो बन गया एग्जीक्यूटिव और वो कहा बैठेंगे लोकसभा में जो एग्जीक्यूटिव बन गए जो मिनिस्टर बने और जो प्रधानमंत्री वो तो एग्जीक्यूटिव बन गए बाकी लोग क्या बने लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर समझना जैसे आप एग्जीक्यूटिव बन आपको मिनिस्टर बनाया गया प्रधानमंत्री ने सपोज कहा कि निशित जी हम आपको मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो भैया मैं ex, मैं एग्जीक्यूटिव बन गया मैं चुनाव जीत के आया मैं और मेरे को मिनिस्टर बना दिया गया मैं एग्जीक्यूटिव बन गया जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके मिनिस्टर uh, बने तो ही इज एग्जीक्यूटिव वहीं आपके uh, अगर हम जो ऐसे देखें जो पहले मिनिस्टर थे अब मिनिस्टर नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर हर्षवर्धन पहले आपके उसमें कोरोना काल के दौरान हेल्थ मिनिस्टर थे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ही एग्जीक्यूटिव बट किसी कारणवश सरकार ने उनसे मिनिस्ट्री ले ली नाउ ही इज ही एग्जीक्यूटिव नो हीच तो लोकसभा में सरकार उसी की होती है जिसकी मेजोरिटी होती है समझ पा रहे हो लोकसभा में सरकार उसी की होती है जिसकी मेजॉरिटी होती है अब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेजॉरिटी है तो जो जो बिल पास करा के ले जाएंगे जो बिल लेके आएंगे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ओके okay? अब जरा अमेरिका में समझ सिस्टम समझ लेते हैं अमेरिका में यूएसए में क्या होता है कांग्रेस अलग होती है लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट पीपल से डायरेक्ट चुना जाता है और जुडिशरी बिल्कुल अलग होती है हमारे में क्या है एग्जीक्यूटिव कांग्रेस हो गया लेजिस्लेचर कांग्रेस हो गया लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट हो गया एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग है और हमारे में क्या है लोकसभा में आपके लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक साथ बैठते हैं लोकसभा में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक साथ बैठते हैं ये दोनों एक साथ बैठते हैं इलेक्टेड जो मंत्री हैं वो भी बैठेंगे और जो नॉन मंत्री हैं वो भी बैठेंगे अमेरिका में क्या है कि कांग्रेस अलग बैठेगी कांग्रेस मतलब अमेरिका के पार्लियामेंट को कहा जाता दो है दो हाउस होते हैं हाउस ऑफ नहीं कॉमन तो ब्रिटेन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है यही है यही तो अमेरिका के हाउस हाउस ऑफ और Senate. उसे कांग्रेस कहा जाता है तो कांग्रेस इलेक्टेड है प्रेसिडेंट पीपल से डायरेक्टली इलेक्टेड है और प्रेसिडेंट अपने हिसाब से मिनिस्टर्स को चुनता है अपनी मर्जी के हिसाब से मिनिस्टर को चुनता है। अपनी मर्जी के हिसाब से वो किसी भी चलते फिरते अमेरिका अमेरिकन को मिनिस्टर बना सकता है और जरूरी नहीं कि वो मिनिस्टर कांग्रेस का मेंबर हो हमारे यहां क्या, क्या है अगर मोदी जी कहेंगे कि मोदी जी की निशी सक्सेना हम आपको ऑफर कर रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट सीधे कैबिनेट मिनिस्टर कहां बन पाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनेंगे तो डेफिनेटली हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए हाँ करेंगे और तुरंत राष्ट्रपति भवन में महामहिम हमें शपथ दिलाएंगे ठीक है मैंने शपथ ली मैं कहीं से चुना नहीं हूं मैं कहीं से भी नहीं चुना मैं इलेक्शन में खड़ा ही नहीं हुआ तो मैं मिनिस्टर सिर्फ छह महीने के लिए रहूंगा छह महीने के अंदर मेरे को या तो लोकसभा या राज्यसभा कहीं में से एक जगह की सीट जीतनी है या तो लोकसभा की सीट जीतनी है राज्यसभा हमारे का मिनिस्टर लोकसभा राज्यसभा से ही आएगा मैक्सिमम छह महीने का आपको ग्रेस पीरियड मिल सकता है अब जैसे हमारे यहाँ दो बड़े फेमस मिनिस्टर्स हमारे फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट रहे हैं आई एफ इंडियन फॉरेन सर्विसेज मतलब पाकिस्तान तक लोहा मानता है इनके यूट्यूब वीडियो देखिए पाकिस्तान के जयशंकर का लोहा मानता है कि जयशंकर की डिप्लोमेसी के आगे सब फेल है ब्लंटली रिप्लाई दिया था यूरोप यूरोप में अमेरिका में कि जब कहा गया था कि रशिया का क्यों साथ दे रहा है इंडिया का तो उन्होंने सीधा कहा था कि आप भी तो गैस ले रहे हो आप लोग तो कुछ नहीं और इंडिया करे तो सब कुछ है मतलब किसी की फॉरेन मिनिस्टर की इस तरह की हिम्मत नहीं थी जब जितनी मिस्टर एस जयशंकर के थे ही वॉज अ रिटायर्ड डिप्लोमैट आई एफ थे कहीं से चुने नहीं गए मोदी जी ने उनकी क्वालिटी देखी और तो कहा सर हम आपको फॉरेन मिनिस्टर बनाना चाहते हैं अब वो पर्सन एमपी नहीं थे तो उन्हें राज्यसभा से भेजा गया समझ में आया कोई भी पर्सन कल सपोज आप लोग मेरे से जो लोग आपके ट्वेंटी आपके से लोकसभा की क्वालिफिकेशन रखते हैं आपको भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है आप आप लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक जगह इलेक्ट होकर हमारे यहां कोई भी मिनिस्टर छह महीने के लिए ही अगर मेंबर नहीं है तो छह महीने के लिए मिनिस्टर रह सकता है अदरवाइज उसे कहीं ना कहीं चुन के जाना पड़ेगा अगर चुन लिया तो वो छह महीने के आगे भी रह सकता है दूसरा श्री हरदीप पुरी वॉज ए सीनियर आई एस ऑफिसर उनको अर्बन मिनिस्टर बना दिया गया अगेन कहीं से नहीं चुने गए राज्योतिदित्य सिंधिया अगेन राज्यसभा से, तो से चूज कौन करता है इनको ये अपने आप में वोटिंग होती है क्या ये नहीं नहीं, नहीं अपने ये, ये प्रधानमंत्री चूज करते यहाँ प्रधानमंत्री का मैटर आता नहीं जीतना कहां से होता है?